ओम नमः शिवाय। अर्धनारीश्वर कैसे बने भगवान भोलेनाथ। आज महाशिवरात्रि का अगला दिन है। आज की सुबह सभी शिव भक्तों ने अपना उपवास को तोड़ा होगा। आज महाशिवरात्रि एक तरह से कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ। और आज महाशिवरात्रि के बाद क्या? महाशिवरात्रि का परिणति है, अंतिम परिणाम है अर्धनारीश्वर। भोलेनाथ अर्धनारीश्वर कैसे बने? ये एक ऐसा रहस्य है जिससे छुपा हुआ है ब्रह्मचर्य का राज। आज मैं सुबह अखबार देख रहा था, पूरे देश में, तो हो सकता है पूरे दुनिया में महाशिवरात्रि पर मनाया गया। काशी में 12 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने कल जल चढ़ाया है। देवघर में, बैजनाथ धाम में 4 लाख से अधिक लोगों ने, श्रद्धालुओं ने जल चढ़ाया है। और उस तरह से धनबाद में और सब जगह इतने सारे कार्यक्रम हुए। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का ये उत्सव है महाशिवरात्रि। आज 50,000 वर्षों से ज़्यादा से इसका इतिहास रहा होगा। और आज मैं इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहता हूँ कि अर्धनारीश्वर स्वरूप क्या है भगवान भोलेनाथ का। आप सभी ने उस कैलेंडर को, उस फोटो को देखा होगा। मैं इस बात को बहुत आराम से कहना चाहता हूँ ताकि आप लोग को विवाद समझ में आए। बहुत बड़ा रहस्य से आज ये पर्दा उठने वाला है। भगवान शिव का जो आपने वो फोटो देखा होगा, अर्धनारीश्वर, जिसमें वो आधा पार्वती माता का है, आधा शिव का है, और उस फोटो को देखकर आपको क्या समझ में आता होगा? जब कभी भी आप उस फोटो को देखते होंगे, आधा शिव आधा पार्वती, उसका क्या अर्थ निकलता होगा आपके मन में? कुछ लोग को लगता होगा कि आदमी आधा स्त्री है आधा पुरुष है। किसी को लगता है कि स्त्री पुरुष के बिना अधूरी है और पुरुष स्त्री के बिना अधूरा है। और बहुत सारे अर्थ हैं, हर व्यक्ति का अपना अपना अर्थ है, लेकिन शिव का क्या अर्थ है अर्धनारीश्वर स्वरूप का? धरती पर जितने भी ऋषि मुनि योगी हैं, जो भी शिव तुल्य हो गए हैं, शिव स्वरूप में हो गए हैं, वो सभी अर्धनारीश्वर अवस्था में पा चुके हैं। पहली बात कि आज के युग में 50 साल पहले तक वैज्ञानिकों ने यह खोज किया कि मनुष्य का शरीर में स्त्री और पुरुष दोनों तत्व है। वो स्त्री भी है और पुरुष भी है। और इतनी बात तो गांव का देहाती आदमी भी जानता है कि एक बच्चे का जन्म माता और पिता के मिलने से होता है, तो उस बच्चे में माता का अंश है और पिता का अंश है। ये बात तो हम सभी को पता है कि एक बच्चे का निर्माण सिर्फ स्त्री के द्वारा नहीं हुआ है, सिर्फ पुरुष के द्वारा नहीं हुआ है, स्त्री और पुरुष के द्वारा हुआ है, माता और पिता के द्वारा हुआ है। तो ये बात तो सही है कि हर बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, स्त्री और पुरुष दोनों से मिलकर बना है और उसमें दोनों तत्व विद्यमान है। वैज्ञानिक रूप से हर लड़का के अंदर में लड़की की मात्रा भी है, चाहे वो 50-50% तो नहीं, 51.9% या कुछ भी रहता होगा। और लड़कियों में भी स्त्री पुरुष का तत्व तो होता है। थोड़ी बात को ये भी समझिए, कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो देखने में लड़की जैसा ज़्यादा होते हैं। उनका शक्ल सूरत लड़की जैसा होता है, उनकी चाल ढाल लड़कियों तो रहती है, वो लड़कियों की तरह नाजुक होते हैं, उनके हाथ भी देखिए कोमल होते हैं। तो ये बात से आप भी समझ गए होंगे कि बहुत सारे लड़के हैं जिनमें लड़कियों का अंश बहुत साफ साफ दिखाई पड़ता है, और कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो ऐसे बहादुर हैं, ऐसे पहलवान की तरह चलती हैं, उनका चाल भी लड़कों वाला है, उनके मसल्स में भी दम है, और तो कहीं भी किसी को धूल चटा सकती हैं। तो ऐसी लड़कियां जिसको टॉम बॉय कहते हैं, आपने वो भी देखा होगा कि लड़कियों में पुरुष का अंश भी दिखता होगा। चलिए बात को मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता दूं कि सभी लड़के लड़कियां, हर स्त्री पुरुष दोनों तत्व से मिलकर बने हैं। और शुरू से ये बात है कि जब भी किसी लड़का का जन्म होगा तो एक खास उम्र के बाद, 12-13 वर्ष के बाद, उसके अंदर में जो स्त्री की छवि है, स्त्री का अंश है, उसके अनुसार बाहर में जब भी कोई उसको कोई स्त्री या कोई लड़की दिखेगी तो वो आकर्षित होगा। ये जो स्त्री पुरुष का आकर्षण है, ये बहुत ही प्राकृतिक है, क्योंकि प्रत्येक पुरुष के भीतर जो स्त्री का जो मात्रा है, वो अपने जैसी स्त्री अगर उसको बाहर दिखी, खास करके एक लड़का को अगर अपनी माँ जैसी कोई स्त्री बाहर दिख गई तो आकर्षण स्वाभाविक है। या लड़कियों को अपने पिता का जो अंश है उसके अंदर में वैसा कोई पुरुष सामने दिखता है तो आकर्षण सब स्वाभाविक है, जिसको आज की भाषा में हम लोग कहते हैं प्यार हो गया। इसका जो महत्व है वो यही है कि हर स्त्री और पुरुष को, जब तक वो अपने बाकी पार्ट से नहीं मिलेगा, कोई लड़का अगर लड़की से नहीं मिलता है तो सेटिस्फाइड तब तक वो नहीं होता है। कोई लड़की जब तक अपने किसी लड़का से नहीं मिलती तब तक वो संतुष्ट नहीं होती है। और इसके लिए बहुत पहले, 1000 साल पहले समाज ने एक व्यवस्था की,
उस व्यवस्था का नाम है विवाह। विवाह में सभी माता पिता अपने बेटा को अपनी बेटी को, एक खास उम्र के बाद हर माता पिता जानते हैं कि शरीर की कुछ ज़रूरतें हैं, मन की कुछ ज़रूरतें हैं, और शरीर और मन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सभी माता पिता अपने बेटे के लिए वधू खोज देते हैं, अपनी बेटी के लिए पति खोज देते हैं, और उनका सांसारिक जीवन चलता रहता है। इस अर्थ में हर व्यक्ति कभी ना कभी महसूस करता है कि हम अपने पत्नी पर डिपेंड है, या हर औरत महसूस करती है कि कहीं ना कहीं वो अपने पति पर डिपेंड है। लेकिन जब ऋषि मुनि कोई साधु जब वो ध्यान समाधि में बैठता है, तो ऋषि मुनि ध्यान समाधि में उसके भीतर का स्त्री तत्व और उसके भीतर का पुरुष तत्व दोनों जब आपस में मिलते हैं, तो एक ऋषि मुनि परमानंद में चला जाता है। उस आनंद की अवस्था को आप सभी ने महसूस किया होगा, खासकर जो विवाहित है वो समझते हैं कि जब भी स्त्री तत्व और पुरुष तत्व का मिलन होगा तो खुशी होगी, आनंद होगा। उसी तरह जब योगी ध्यान समाधि में बैठने के बाद जब योगी के भीतर का स्त्री तत्व बाहर के अपने भीतर के ही पुरुष तत्व से मिलता है, तो उसे भी आनंद मिलता है। और एक रहस्य तो ये है कि बाहर की स्त्री और बाहर के पुरुष के मिलन में शक्ति का क्षय संभव है, सुनिश्चित है, लेकिन जब योगी ध्यान समाधि में बैठता है तो उसके भीतर की स्त्री और उसके भीतर के पुरुष के मिलन में कोई शक्ति का क्षय नहीं होता है। बस इसी बात के लिए मैंने ये वीडियो उठाया था, ये वीडियो का मैंने ये सब्जेक्ट लिया था कि हर योगी धरती पर, जो भी शिवतुल्य योगी है, आप जितना भी नाम जानते हैं, सभी योगी अपने ध्यान से समाधि की अवस्था तक पहुंचने में अपने भीतर के स्त्री और भीतर के पुरुष का मिलन होने के कारण वो 24 घंटे परमानंद की अवस्था में है, आनंदित है, और वैसा ऋषि मुनि बाहर के स्त्रियों से प्रभावित नहीं होता है। जो सिद्ध पुरुष, मैं पुरुषों को लेकर ही चल रहा हूँ, जो सिद्ध पुरुष समाधि की अवस्था में चला गया, वो अपने भीतर के स्त्री का से उसका मिलन हो गया है, हो रहा है, और 24 घंटा हो रहा है, इसलिए वो बाहर के स्त्री से उसका कोई निर्भरता नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध हो, महावीर हो, या कोई भी सिद्ध व्यक्ति हो, वो बाहर के स्त्री पर निर्भर नहीं है, और उनका व्यवहार इतना सुंदर होता है बाहर के स्त्रियों से, क्योंकि वो आदमी संतुष्ट है। कोई बुद्ध महावीर अपने भीतर के स्त्री से मिलकर के वो इतना संतुष्ट है कि बाहर के स्त्रियों से वो दुर्व्यवहार तो कर ही नहीं सकता है, शायद वो किसी तरह देखे भी नहीं। उस परम अवस्था में लोग कहते हैं कि यह व्यक्ति ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो गया। बस ब्रह्मचर्य का इसके सिवा कोई भी दूसरा परिभाषा नहीं हो सकता है। ब्रह्मचर्य का सीधा अर्थ है भीतर का स्त्री और भीतर के पुरुष का मिलन हो गया है, हो रहा है, 24 घंटा चल रहा है, कोई ऊर्जा क्षय नहीं होती, और ये व्यक्ति किसी बाहरी स्त्री या पुरुष से संबंधित नहीं है, निर्भर नहीं है, उस व्यक्ति को कहेंगे ब्रह्मचर्य को अवस्था को प्राप्त व्यक्ति। तो भगवान शिव अर्धनारीश्वर है, इसका अर्थ ये हुआ कि भोलेनाथ अपने समाधि की अवस्था में अपने भीतर के पार्वती से एक हो चुके हैं, सदैव एक हैं, इसलिए भगवान शिव अर्धनारीश्वर है। शिव के भीतर ही पार्वती है, इसलिए शिव पूर्ण है, दोनों मिलकर के पूर्ण होते हैं। और मैं आप कहना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध से लेकर के आज तक, और मेरा प्रयास कई वर्षों से रहा है, क्योंकि मैं इस योग और ध्यान के जगत में 25 वर्ष से मेहनत कर रहा हूँ, और मैंने अपने बल पर देखा है कि जब भी हम लोग ध्यान करते हैं तो ध्यान के गहरी अवस्था में आनंद का अनुभव होता है। लेकिन आज वो मैं परिभाषित कर पा रहा हूँ वो आनंद क्या है। मेरे भीतर के स्त्री तत्व का मेरे भीतर के पुरुष तत्व से जब मिलन होता है तो आनंद होता है, और 24 घंटा आनंदित रहा जा सकता है, रहना ही चाहिए, लेकिन मैं साधक हूँ, सिद्ध नहीं हूँ। भगवान भोलेनाथ अर्धनारीश्वर है, इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान भोलेनाथ पूर्ण है, हर योगी जो समाधिस्थ अवस्था में है पूर्ण है, और सभी व्यक्ति को जब तक हम पूर्ण न हो जाए, हमारे भीतर के स्तर से मिलन न हो जाए, तब तक हम बाहर डिपेंड रहेंगे। मेरे जीवन का एक विडंबना रहा है कि 7 वर्ष पहले मेरी पत्नी का देहांत हो गया। उसके अगले सुबह मेरे छोटे भाई ने मुझसे पूछा कि क्या विचार है, आगे शादी करना है? लेकिन मैं पहले से सिद्धार्थ को जानता था कि मुझे ध्यान समाधि में जाना है, और मैंने सुबह सुबह बड़े कठोरता से कह दिया नहीं। और मैं इस बात को जानता हूँ, 7 साल से ध्यान कर रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। मुझे ये बात पूरी तरह से मालूम है कि जब भी मैं ध्यान करता हूँ, ध्यान की अच्छी अवस्था में रहता हूँ, तो मैं आनंदित रहता हूँ बिना किसी पर निर्भर हुए। और यही मेरी कामना है कि मैं किसी भी स्त्री
या लड़की किसी के साथ भी बाहर मैं निर्भर नहीं रहूं, किसी की तरफ उस तरह से मुझे देखना न पड़े, मुझे कुछ बोलना न पड़े, मैं अपने भीतर अर्धनारीश्वर रूप में स्थापित हो जाऊं, यही मेरा प्रयास है और ये मैं और साधना करूंगा। और मैं जानता हूं ये सत्य है, परम सत्य है, मैं बाहर के स्त्रियों से और सभी स्त्री जाति से इस मामले में निर्भरता से मुक्त हो सकता हूं, लेकिन मेरा प्रेम सभी के लिए है, दुनिया के समस्त स्त्रियों को मेरा प्रेम, मेरा सम्मान, मेरा आदर हमेशा बना रहेगा। अर्धनारीश्वर स्वरूप को याद रखें, हम सभी जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया याद रखें, अर्धनारीश्वर स्वरूप भगवान शिव का है, हम सबका हो सकता है, हम सभी अपने भीतर की स्त्री को पा सकते हैं। उसके बाद जिस दिन आप अपने भीतर की स्त्री के साथ एक हो जाएंगे, उसी दिन पहली बार आप बाहर की स्त्री को सम्मान कर पाएंगे, प्रेम कर पाएंगे। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व अब जाकर सुबह में पूरा हुआ है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रत्येक व्यक्ति, हर मेरे दर्शकों को शिव स्वरूप है तो उन्हें पार्वती मिले, पार्वती स्वरूप है तो उन्हें शिव मिले, और प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर भी शिव पार्वती को जान ले, यही मेरी शुभकामना है। जिन लोगों ने मेरे इस वीडियो को पसंद किया है कृपया इसे शेयर करें, और अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करिए और मेरे पिछले वीडियोज को जरूर देख लीजिए। मेरे जीवन का मकसद है अर्धनारीश्वर स्वरूप को प्राप्त करना, दुनिया के जितने योगी हैं उनका भी लक्ष्य है, इसलिए बुद्ध हो या महावीर हो या दयाहवा हो, उनके पास कोई स्त्री रह भी जाती है तो क्या खतरा है, उसको सवाल ही नहीं है। ये सभी पूर्ण रूप से पहुंच चुके हैं और जितने भी बाहरी व्यक्ति है उनसे खतरा हो भी सकता है। चलिए बात को मैं पूरी करता हूँ, आप समझ गए हैं अर्धनारीश्वर स्वरूप का अर्थ है भगवान भोलेनाथ अर्धनारीश्वर है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने भीतर के स्थित तत्व के साथ एक हो चुके हैं। महाशिवरात्रि आते रहेंगे और हम लोग भगवान शिव का स्वरूप समझ गए हैं, और आप सभी का और मेरा, मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, हर व्यक्ति अर्धनारीश्वर स्वरूप को समझे, सभी ब्रह्मचर्य की स्थिति को प्राप्त करें, आपका सभी से खूब प्रेम हो, खूब आदर करें, नारी का सम्मान करें, नारी को प्रेम करें, अपने भीतर नारी को पालें। आप सभी को धन्यवाद।